आपका स्वागत है मेरे चैनल पर रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल पर विज़िट करें। थैंक यू। मेरे फिलिप्स एपिलेटर के डेमो के वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बेस्ट ट्रिमर का रिव्यू जल्द ही अपलोड करूंगी, तो यह है आज का वीडियो उसी के बारे में। आज हम वीट सेंसिटिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर का अनबॉक्सिंग, डेमो और रिव्यू देखने वाले हैं। ये वीट इलेक्ट्रिक ट्रिमर का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इस मॉडल में एक गैजेट के साथ 7 एक्सेसरीज मिलते हैं। इस वीट सेंसिटिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर का इस्तेमाल करके हम अपर लिप्स और चिन, साइड बर्न्स, बिकिनी, अंडर आर्म और आईब्रोज को ट्रिम कर सकते हैं, आईब्रोज को शेप कर सकते हैं। अब अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इस तरह से एक पाउच में पैकिंग किया है, इसलिए ये इजी टू कैरी है। आप जहाँ भी जाओगे इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ये 2 mm लेंथ और 4 mm लेंथ के दो कोम्ब। ये ब्रश है ट्रिमर हेड को क्लीन करने के लिए। एक बैटरी भी मिल रही है इसके साथ और एक आईब्रो कोम्ब है और ट्रिमर हेड है और ये है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रिमर। तो इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ एक बैटरी मिलाकर टोटल 7 एक्सेसरीज मिलते हैं। ये है इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिस पर क्लियरली दिखाया गया है कि इस ट्रिमर को कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रिमर का निचला भाग एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालना है और इसमें इस तरह से बैटरी डालकर ये फिर से क्लॉकवाइज घुमाकर लॉक करना है। ये पिंक कलर का बटन जो दिख रहा है वो ट्रिमर को ऑन और ऑफ करने के लिए है। ट्रिमर की आवाज़ सुनिए। जब तक बटन प्रेस करके रखोगे ट्रिमर ऑन रहेगा, बटन छोड़ दोगे ट्रिमर ऑफ हो जाएगा। इस फीचर की वजह से बैटरी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। इस मॉडल की खासियत यह है कि यह ट्रिमर वाटरप्रूफ है। आप बाथरूम में वेट कंडीशंस में भी इस ट्रिमर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये ट्रिमर वेट स्किन और ड्राई स्किन पर ट्रिमिंग कर सकता है। ये ट्रिमर का ऑन ऑफ बटन सॉफ्ट टच बटन है। ये ट्रिमर पर अटैचमेंट जो आप देख रहे हो ये है आईब्रो के लिए और फेशियल हेयर ट्रिम करने के लिए। इस मॉडल में ये जो फेशियल हेड है ये एडजस्ट कर सकते हैं हम, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इसको क्लिक करके डायरेक्शन बदल कर हम आसानी से फेशियल और आईब्रो को शेप कर सकते हैं। इसका जो छोटा ब्लेड है वो 6 mm का है और बड़ा ब्लेड 16 mm का है। ट्रिमर हेड बदलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, निकालिए और दूसरा ट्रिमर हेड क्लॉकवाइज घुमाकर उसमें फिक्स कर दीजिए। आसानी से क्लिक करके ये फिक्स हो जाता है। लंबे बालों को ट्रिम करने के लिए ये 2 mm और 4 mm का जो ब्रश है वो ट्रिमर हेड पर लगाकर आसानी से ट्रिमिंग किया जा सकता है। ये आईब्रो के लिए कोम्ब है जो आईब्रो हेड पर फिक्स करके हम आसानी से आईब्रो को ट्रिम कर सकते हैं। ये फेशियल हेयर ट्रिमर है और आईब्रो ट्रिमर और आईब्रो को शेप करने के लिए है और ये ब्रश ट्रिमर हेड को क्लीन करने के लिए है। ये ट्रिमर वाटरप्रूफ है, इजी टू यूज़ है। ट्रिमर हेड पर
2mm कोम्ब और 4mm कोम्ब आसानी से इस तरह से क्लिक करके लगाया जा सकता है और आसानी से निकाला भी जा सकता है। अब देखेंगे ट्रिमिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एपिलेट किया था 15 दिन पहले। इस तरह से आपको हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रिमर को बटन प्रेस करके आपको सॉफ्टली स्किन पर मूव करना है। सबसे अच्छी बात इलेक्ट्रिक ट्रिमर की कि ट्रिमिंग करने पर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है और ये ब्लेड से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कट नहीं होती है स्किन, या स्किन कट होने की वजह से ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है। ये इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, सेफ है, इसमें दर्द नहीं होता है और स्किन सॉफ्ट भी रहती है। ट्रिमर हीट नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। एक साधारण 20 मिनट में आपके दो पैर और दो हाथ ट्रिमिंग करके आसानी से हो जाएंगे। हाथों के फिंगर्स और पैर के फिंगर्स के पास के बाल ट्रिम करने हैं तो स्किन को स्ट्रेच करना होगा, तो आसानी से हो जाएगा ट्रिमिंग। इसके लिए इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड कर लीजिए। हेयर रिमूवल क्रीम्स और वैक्सिंग या एपिलेटिंग से जो स्किन एलर्जीज हो सकते हैं, फ्यूचर में स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ट्रिमर यूज़ करने पर ये डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैंने बीते सालों में हेयर रिमूविंग के लिए क्रीम्स इस्तेमाल करके देखे हैं, वैक्सिंग करके देखा है, एपिलेटिंग भी करके देखा है, लेकिन ट्रिमर यूज़ करना मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, पेनलेस एक्सपीरियंस रहा है। और आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत है आप घर पर एक 15 मिनट निकाल कर आराम से आपका ट्रिमिंग का काम कर सकते हैं। स्किन क्लीन हो जाएगी और आप फ्रेश भी दिखोगे। इस ट्रिमर से अंडर आर्म्स ट्रिम करना आसान है, साथ साथ बिकिनी एरिया पर भी बिना तकलीफ और पेन के आप आराम से ट्रिमिंग कर सकते हो। इस ट्रिमर के जो ब्लेड्स हैं उसकी अच्छी लाइफ के लिए 2-3 ड्रॉप्स लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर आप ब्लेड्स पे लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं 1-2 सेकंड के लिए, तो इससे ब्लेड की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपकी उम्र 15-16 साल की है और आप अच्छा तरीका चुनना चाहते हो हेयर रिमूवल के लिए, तो वैक्सिंग, हेयर रिमूविंग क्रीम और एपिलेटर से अच्छा है आप एक ट्रिमर खरीद ले। ये एक और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। ये मैंने ट्रिमर अमेज़ॉन से अक्टूबर 2018 में 1,600 रुपये में ऑर्डर किया था। तो अगर आप ये ट्रिमर खरीदते हैं तो आपको बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैक्सिंग के लिए, या फिर हेयर रिमूविंग क्रीम्स के पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, तो बस अगले दिन आप फेस से लेकर अपने पैर तक जो हेयर है वो आप आसानी से ट्रिम कर सकते हो। ये देखिए, ये मैं अपर लिप्स ट्रिम कर रही हूँ। साधारणतः मुझे अपर लिप्स या आईब्रो करने के लिए एक महीने में एक बार तो पार्लर जाना पड़ता था, तो जब से मैंने ये ट्रिमर लिया है मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में ही आसानी से एक 10 मिनट मैंने निकाले तो मेरा फेस क्लीन हो जाता है। अगर समझो आपने फिलिप्स एपिलेटर लेने का ऑप्शन चुना, तो एपिलेटर से आप सिर्फ पाँव और हाथ के जो बाल है वो एपिलेट कर पाओगे, और एपिलेटिंग प्रोसेस में बहुत दर्द होता है। फिर अलग से फेस के लिए ट्रिमर लेना इससे अच्छा है आप ये वीट का इलेक्ट्रिक ट्रिमर ले, जो आपका आईब्रोस ट्रिम करेगा, आईब्रोस शेप करेगा, फेशियल हेयर ट्रिम करने में आपको मदद करेगा, अंडर आर्म्स क्लीन करेगा, बिकिनी एरिया क्लीन करेगा, हाथ और पाँव क्लीन करेगा। तो बेसिकली ये हर जगह पर पेनलेस आपको हेयर रिमूविंग का एक्सपीरियंस देगा। ये ट्रिमर इस्तेमाल करते वक्त डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
बस 5 मिनट आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ये हल्के हाथ से मूव करना है। बीच बीच में बटन ऑन ऑफ करते रहना है ताकि बैटरी आपकी वेस्ट ना हो, ज़रूरत हो तभी आप वो बटन प्रेस करके रखें। ये देखिए मैंने फोरहेड क्लीन किया है और ये जो हेड है इस पर बाल लगे हैं। अब मैं मेरे फेस के जो साइड बर्न्स है वहाँ के हेयर ट्रिम कर रही हूँ। ट्रिमिंग से पहले मैं पार्लर में जाकर फेस क्लीन करने के लिए थ्रेडिंग करवाती थी, जो एक बहुत ही दर्द भरा एक्सपीरियंस होता था और बाद में स्किन पर रैशेस भी आते थे। और ये ट्रिमिंग का प्रोसेस देखिए, ना ही कोई पेन हो रहा है और ना ही स्किन पर कोई रैशेस आ रहे हैं, एकदम ही अच्छा अनुभव है ट्रिमिंग का। बस आपकी ज़रूरत के अनुसार जो फेशियल ट्रिमर का हेड है उसका एंगल एडजस्ट करें, राइट या लेफ्ट साइड में या सेंटर में रखें, हल्के से ग्लाइड करें और आराम से फेस क्लीन करें। इस छोटे ब्लेड की वजह से हर छोटी से छोटी जगह पर आराम से आप ट्रिमिंग कर सकते हो। आप जहाँ पर भी ट्रिमिंग करें उसके बाद पतंजलि एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं, जिससे स्किन सॉफ्ट रहेगी और नॉर्मल हो जाएगी जल्दी। अब आईब्रो शेप करने से पहले ट्रिम करेंगे, जो ज़्यादा बाल बड़े हैं वो इस आईब्रो कोम की सहायता से हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिमर को ऑन करें और इस तरह से हेयर ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्के हाथ से ट्रिमर को मूव करें, जो आपका आईब्रो है उसके जो बाल है उसकी लंबाई कम हो जाएगी। अब आईब्रो ब्रश को निकाल दे और जो छोटा ब्लेड है उसकी सहायता से एक्स्ट्रा बाल जो आपके आईब्रो के आसपास है वो हल्के हाथ से धीरे धीरे बार बार मूवमेंट करके निकालें। अगर बाल नहीं निकल रहे हैं तो एक ही जगह पे धीरे धीरे 2-3 बार ब्लेड को मूव करें, जिससे बाल आसानी से निकल जाए और आपका आईब्रो का शेप आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाए। डरिएगा मत, आसान है आईब्रो भी करना, 1-2 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका डर भी निकल जाएगा और आसानी से आप अपने आईब्रो को शेप कर पाओगे। हम जब थ्रेडिंग से आईब्रो को शेप करते हैं तो कितना दर्द होता है, तो ट्रिम करते वक्त बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो ट्रिमर पर थोड़ा विश्वास रख के अगर हम कोशिश करें तो आईब्रो को भी शेप करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ना ही कोई ब्यूटीशियन हूँ और ना ही मुझे एक्सपीरियंस है आईब्रो करने का, फिर भी ये ट्रिमर की सहायता से मैं मैनेज कर सकती हूँ घर पे ही आसानी से बिना दर्द हुए आईब्रो शेप करने के लिए। मेरे लिए ट्रिमर खरीदना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और समय भी बचाता है, बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, हेयर रिमूविंग क्रीम्स पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा टाइम भी बचाता है, घर पर ही मेरा सब हेयर रिमूविंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ही खुश हूँ और हर किसी को रिकमेंड करूँगी ये वीट ट्रिमर ज़रूर ख़रीदें और इसका इस्तेमाल करना सीखें। ये जो ट्रिमर हेड पर जो बाल लगे हैं वो निकालने के लिए ब्रश का उपयोग करें और इस तरह से, और ये ट्रिमर वाटरप्रूफ है तो आप ये ट्रिमर हेड निकाल के पानी में धो के अच्छे से ड्राई भी कर लीजिए। तो ये था मेरा वीट इलेक्ट्रिक ट्रिमर का अनबॉक्सिंग, डेमो और रिव्यू भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें। ट्रिमिंग से जुड़े सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और आपके ग्रुप में शेयर करें, और मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।